नगर परिषद प्रशासन ने शहर के साकेत नगर स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सुध ले ली है। स्थानीय पार्षद विक्रम सोनी की मांग पर कार्यवाही करते हुए नगर परिषद प्रशासन ने शुक्रवार सुबह एक जेसीबी मशीन की सहायता से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उगी झाड़ियों तथा बिलायती बम्बुलों को हटाया। साथ ही मशीन की सहायता से कॉम्प्लेक्स परिसर में पड़े कचरे, ईंट पत्थरों तथा मलबे को हटाकर परिसर को साफ सुथरा बनाया। साफ सफाई कार्य के दौरान पार्षद विक्रम सोनी मौके पर मौजूद रहे। शुक्रवार को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स परिसर की साफ सफाई होने के बाद क्षेत्रवासियों ने इसके लिए नगर परिषद प्रशासन तथा पार्षद विक्रम सोनी का आभार जताया है। क्षेत्रवासियों ने इसके लिए पार्षद सोनी को उक्त कार्य के लिए साधुवाद दिया है। उधर पार्षद सोनी की पहल पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स परिसर की साफ सफाई होने के बाद यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को विकसित होने की संभावनाएं बढ़ गई। यहाँ की स्थिति को देखते हुए कई आवंटियों ने अब अपनी दुकानों की सुध लेने का मानस बना लिया है। भविष्य में अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित होता है तो इसका सीधा लाभ क्षेत्रवासियों तथा साकेत नगर के निवासियों का होगा। क्षेत्रवासियों को एक ही स्थान पर आवश्यकता की चीजें उपलब्ध होगी, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को बाजार में आने जाने के समय की बचत होगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की साफ सफाई के बाद क्षेत्रवासियों ने बताया कि अब यहां पर अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगेगी तथा आसपास के लोगों को जीव जंतुओं से भी निजात मिलेगी। साथ ही कॉम्प्लेक्स के विकसित होने से क्षेत्रवासियों को लाभ होगा। मालूम हो कि राजस्थान आवासन मंडल की ओर से साकेत नगर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स योजना के तहत यहाँ पर शहर वासियों को दुकानें आवंटित की थी, लेकिन हाउसिंग बोर्ड की उदासीनता कारण यह योजना अमली जामा नहीं पहन पाई और लंबे समय तक दुकानों के बंद रहने के कारण वे जर्जर होती गई। उधर आवाजाही नहीं होने का फायदा उठाते हुए रात के समय असामाजिक तत्वों का यह जमावड़ा होने लगा, जिसके कारण आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विगत दिनों जय स्काई न्यूज चैनल ने इसको लेकर स्थानीय पार्षद विक्रम सोनी के साथ लेकर खबर को अपने प्रसारण में प्रमुखता से प्रसारित किया। चैनल के माध्यम से खबर का प्रसारण होने तथा पार्षद सोनी की मांग को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद प्रशासन ने यहां की साफ सफाई करवाकर क्षेत्रवासियों को राहत दी है। साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड वार्ड नंबर 43, यहां राजस्थान आवासन मंडल द्वारा बनाई गई शॉपिंग सेंटर में दुकानें जो जिनसीन अवस्था में थी और भारी कचरा था, जिससे आम जन को बहुत ही परेशानी हो रही थी। जान जिनावर एवं असामाजिक लोगों का जमावड़ा होता था। आज नगर परिषद प्रशासन द्वारा जेसीबी मंगवाकर पूरी साफ क्लीन चिट सफाई कराई गई, जिससे आम जन को बहुत राहत मिली है और हाउसिंग बोर्ड को वापस पत्र लेकर मांग की जा रही है कि जो शॉपिंग सेंटर जिस उद्देश्य से दुकानें लोड की गई थी उनका उपयोग उसी व्यवसायिक उपयोग में हो, जिससे जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं वो संचालित हो सके। आम जन को दूध, किराने का व्यापारी, कपड़ों के व्यापारी, साइकिल पंचर की दुकानें, जो गरीब लोग अशोक जी गहलोत द्वारा 69 पट्टों में मिश्रित पट्टे को भी दिया जा रहा है, उसी की तर्ज पे ये दुकानें पहले बनाई थी हाउसिंग बोर्ड में, इनका उपयोग नहीं हो रहा था। जहाँ पे गंदगी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था, हमने हमारे पार्षद महोदय विक्रम जी सोनी से इसकी शिकायत की, जिसके संबंध में हमारे पार्षद महोदय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज साफ सफाई कराई और यहाँ पे जो असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा रहता है उनसे भी निजात मिलेगी। गली वालों की शिकायत थी, मोहल्ले वालों की शिकायत पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करी, इसलिए पार्षद महोदय का धन्यवाद है। और खुशी केक एंड पेस्ट्री, आपके बर्थडे पार्टी व यादगार उत्सवों के लिए प्राकृतिक रंगों से बनी एगलेस केक, लव केक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक, रेड वेलवेट केक, चीज केक, वॉलनट केक, शुगर फ्री केक और भी केक की अनेक वेराइटियाँ, साथ ही नायाब चॉकलेट व गिफ्ट हैम्पर, बर्थडे डेकोरेशन आइटम और लजीज चॉकलेट पिज्जा, साथ ही लजीज पेटीज, बिस्कुट और टेस्टी शेक और आइसक्रीम के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था। बर्थडे और पार्टी के लिए हॉल की बेहतर सुविधा के साथ तो आज ही चले आए खुशी केक एंड पेस्ट्री, अरिहंत कॉम्प्लेक्स के पास, कॉलेज रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 8890103504।